ये टाट्रा 8x8 का न्यूमेटिक सिस्टम है, जो नौ होता है। नौ के बारे में बताते हैं आपको कि नौ कैसे कैसे काम करता है। ये फर्स्ट नंबर एक नंबर है, एक नंबर है जो इंजन ऑन ऑफ, इंजन के साइड में जो फर्स्ट है जो एक नंबर होता है, जो इंजन ऑन ऑफ का काम करता है ये, ठीक है भाई। इसका जो वायर है, इसमें दो वायर आया है, एक पॉजिटिव दो नेगेटिव। तो नेगेटिव इसका कनेक्शन जाता है एक ऑयल, ऑयल का ऑयल सेंडिंग यूनिट नहीं है उसमें, एक जाता है वो डायरेक्ट यहाँ से, तो इसका सर्किट पूरा होता है। दो नंबर है एग्जास्ट ब्रेक का, ये एग्जास्ट ब्रेक लगाते हैं तो दो नंबर काम करता है, ठीक है गाइज। और तीन नंबर है, जो है गियर लो का, गियर हाई लो करते हैं ना, तो तीन नंबर है गियर लो का ये वाला। और ये चार नंबर है गियर हाई का, जो गियर है जो गियर बॉक्स का गियर हाई लो करते हैं वो चार नंबर का है, गियर हाई का, और तीन नंबर है लो का, ओके गाइस। पांच नंबर है जो मूवमेंट डिवाइडर एंटर एक्सल लॉक है, ये है पांच नंबर। और ये है छः नंबर, छः नंबर में एक्सल लॉक है, एक्सल डिफरेंशियल लॉक लगा। और ये सात नंबर हो गया, क्लच बूस्टर के लिए। तो क्लच बूस्टर में जो प्रेशर जाती है ना, जो क्लच दबाते हैं या बीम से ऑपरेट करते हैं या गियर लगाने के क्लच ऑपरेट करते हैं, तो है ये कितना नंबर, ये सात नंबर बूस्टर रहता है, सात नंबर न्यूमेटिक बॉल है। वे आठ कछुआ के लिए, नौ हिरन के लिए, ठीक है। ये है ना न्यूमेटिक, एक नंबर न्यूमेटिक का है ये स्विच जो इंजन ऑन ऑफ करता है, ठीक है। एक नंबर न्यूमेटिक का है ये स्विच जो इंजन ऑन ऑफ करता है। अभी दो नंबर बताते हैं, दो नंबर कौन से है, सो ये है जो एग्जास्ट मैनिफोल्ड के पास लगे, दो नंबर न्यूमेटिक से है जो एग्जास्ट ब्रेक के लिए है, ये दो नंबर न्यूमेटिक वॉल से आता है एग्जास्ट ब्रेक के लिए, एग्जास्ट ब्रेक के लिए आता है। तीन चार का दे बताते हैं, और तीन चार के लिए ना ये गियर लीवर है, गियर लीवर के ये नोब है ना, नोब, इस नोब में तीन चार का है, तीन नंबर में लो हो जाएगा गियर लो, और ये चार नंबर में गियर हाई को यहीं से करते हैं, तीन और ये चार, और बीच में आ गया तो गाड़ी न्यूट्रल हो जाएगी। इसको क्लच दबा के करते हैं, गियर लो का या गियर हाई का क्लच दबा के करते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा एक नंबर, यहां से ये एक नंबर है ना, एक नंबर न्यूमेटिक ये इंजन ऑन ऑफ के लिए है, दो नंबर न्यूमेटिक, ये दो नंबर न्यूमेटिक जो एग्जास्ट ब्रेक के लिए, ये तीन नंबर न्यूमेटिक है गियर लो और गियर लो के लिए, तीन नंबर न्यूमेटिक है, और ये चार, ये तीन नंबर न्यूमेटिक है ना गियर लो के लिए है, और ये चार नंबर न्यूमेटिक है गियर हाई के लिए। गियर बॉक्स का गियर लो और हाई तीन चार है, ठीक है। तीन चार एक कैसे कहा गया है, जो यहाँ पे गियर बॉक्स है, ये गियर बॉक्स का तार गया हुआ है ये ना, यहाँ पे फ्रंट में सॉफ्ट के पास, छोटे पास ये है ना, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक मिनट आपको दिखाता हूँ, अच्छा से दिखाता हूँ। ये तार गया हुआ ना, ये वाली बाय गियर हाई के लिए, जस्ट इसके ऊपर है ये आया है, ये जो गियर हाई के लो के लिए, गियर लो और हाई के लिए तीन चार से आता है न्यूमेटिक वॉल से, जो यही है ये गियर लो और हाई करने के लिए, ठीक है। और ये न्यूमेटिक दिखाता हूँ, ये न्यूमेटिक, ये एक नंबर न्यूमेटिक, ये एक नंबर हो गया, ये दो नंबर हो गया, ठीक है, एक और ये तीन नंबर हो गया, ये तीन नंबर हो गया, ठीक है। ये चार नंबर गियर लो हाई के लिए, तीन नंबर लो के लिए और चार नंबर हाई के लिए है,
और ये पांच नंबर बताता हूँ आपको, ये पांच नंबर को दिखाई दे रहा है, ये पांच नंबर न्यूमेटिक, ये पांच नंबर मूवमेंट डिवाइडर विथ इंटर एक्सल लॉक, ये पांच नंबर है ना, ये पांच नंबर है जो क्या है इंटर मूवमेंट डिवाइडर विथ इंटर एक्सल लॉक में कौन सी काम आती, कहाँ से और कौन सी जाता है ये पांच नंबर। ये पांच नंबर का बारी आपको पूरा बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये वाला पाइप गया है, ये पाइप गया है, ये टी जंक्शन से गया है, टी जंक्शन से ये पतली वाली पाइप बिल्कुल आया है, ये आ गया है, ठीक है। ये है इंटर एक्सल लॉक विथ मूवमेंट डिवाइडर, इंटर एक्सल लॉक विथ मूवमेंट डिवाइडर, एक ये है, एक ये है, और एक जस्ट इसकी अपोजिट यह इंटर एक्सल लॉक विथ मूवमेंट डिवाइडर का, एक ये है मूवमेंट डिवाइडर का, और एक ये है इंटर एक्सल लॉक विथ मूवमेंट डिवाइडर का, एक ये और एक ये पांच नंबर का, पांच नंबर न्यूमेटिक बॉल्स का है इसको, और छह नंबर, ये छह दिखाई दे रहा आपको, ये छह नंबर है, छह नंबर की जो पाइपलाइन है ये यहां से, ये यहां से आ गया, ये वाली पाइप होते हुए, ये होते हुए ये चला आया है, ये आगे यह आया है कि ये जो है एक्सल डिफरेंशियल लॉक, एक्सल डिफरेंशियल लॉक करता है ना जो ये वाला हैंड कंट्रोल के जस्ट पीछे है ना जो छोटी वाली, जो एक्सल डिफरेंशियल लॉक के लिए है, एक ये और एक और है, एक ये हो गया, एक आगे आ जाता है बिल्कुल, एक ये वाला, ये दोनों क्या है इंटर एक्सल डिफरेंशियल लॉक के लिए, ये छह नंबर न्यूमेटिक बॉल से आया है सर, ठीक है। और सात नंबर से, जो सात नंबर से आता है ना अभी न्यूमेटिक वाली, ये सात नंबर है, ये सात नंबर से, ये सात नंबर है ना, सात नंबर से सबसे पहले तो आता है क्लच बूस्टर में, क्लच बूस्टर और गियर बूस्टर में, क्लच बूस्टर और गियर बूस्टर में आता है सात नंबर से, जो सात नंबर का को ये आपको दिखा रहा है क्लच बूस्टर, सात नंबर न्यूमेटिक बॉल से क्लच बूस्टर में आता है माइक्रो स्विच से होते हुए, ठीक है, ये है क्लच बूस्टर, और ये है गियर बूस्टर, जो सात नंबर न्यूमेटिक बॉल से क्लच बूस्टर में और गियर बूस्टर में, ये दोनों में प्रेशर आता है, ठीक है, प्रेशर तो क्लच बूस्टर में भी आता है और गियर बूस्टर में भी आता है सात नंबर न्यूमेटिक से, ओके। अब आठ और नौ दिखाते हैं आपको, और ये आठ नौ आपको दिखा रहेगा ना न्यूमेटिक बॉल, ये आठ, इसके ऊपर ये आठ है, इसके ऊपर ये लास्ट में है जो नौ है, जो आठ नौ इसमें आ रहा है, जो ट्रांसफर केस का गियर लो हाई के लिए आता है, ट्रांसफर केस का गियर लो हाई के लिए आता है, ठीक है। आठ नंबर क्या, पहले लो के लिए आठ नंबर, हाई के लिए नौ नंबर, न्यूमेटिक बॉल आठ नौ से, न्यूमेटिक बॉल आठ नौ से ट्रांसफर केस का गियर बॉक्स गियर लो या हाई करने के लिए जो कछुआ और हिरन कहते हैं, पूरा नौ के नौ के लिए एमई बॉल न्यूमेटिक बॉल है जो ऑपरेट होता है, जो कहां से कैसे ऑपरेट होगा वो आपको बता रहे हैं केविन से। सबसे पहले एक नंबर जो न्यूमेटिक बॉल है जिसको गाड़ी ऑफ करते हैं ना, तो यहां से गाड़ी बंद हो जाता है, ठीक है ना, बाकी तो मैनुअल है बंद करने के लिए, तो ये दिया हुआ है मैनुअल से बंद करने के लिए, इसे चाबी से ऑफ करेंगे ना इसे तो गाड़ी बंद हो जाएगी एक नंबर न्यूमेटिक बॉल से जो आपको दिखा रखे हैं। दो नंबर है, इसके बाद दो नंबर न्यूमेटिक बॉल है, और ईएमबी बॉल दो नंबर है ना न्यूमेटिक बॉल, जो दो नंबर न्यूमेटिक बॉल के लिए ये आता है, जो एग्जॉस्ट ब्रेक लगाते हैं इसको दबा देंगे तो एग्जॉस्ट ब्रेक लग जाएगा, ये ऑन ऑफ करता है ये, ठीक है।
इसको लगा देंगे तो एग्जॉस्ट ब्रेक का काम आता है ये 2 नंबर का। और 3 नंबर को तो आपको बता ही दिया, 3 नंबर न्यूमेटिक बॉल ये लिखा हुआ, सॉरी ये लो हाई लिखा हुआ है, यह हाई हो गया और ये लो हो गया, ठीक है। इधर का हाई है और इधर का लो है, गियर बॉक्स लो हाई के लिए इस पर भी लिखा हुआ है आपको, ठीक है। बाकी गियर तो आपको पता ही है, 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर का हो गया आपका, 3 नंबर का लो, 4 नंबर हाई। गियर हाई के लिए 4 नंबर न्यूमेटिक बॉल काम करता है और गियर लो के लिए 3 नंबर न्यूमेटिक काम करता है, ओके। और 5 नंबर न्यूमेटिक बॉल, 5 नंबर न्यूमेटिक बॉल बोलते हैं इंटर एक्सल लॉक या मोमेंट डिवाइडर विथ इंटर एक्सल लॉक। जो ये स्विच है ना, क्लच दबा के क्लच दबाते हैं तो ये स्विच पे ना, ये स्विच को ऑपरेट करते हैं तो ये स्विच को ऑपरेट करते क्लच दबा के तो इंटर एक्सल लॉक हो जाता है। अब 5 नंबर हो गया और 6 नंबर हो गया डिफरेंशियल लॉक, एक्सल विथ डिफरेंशियल लॉक। ये स्विच है, इसमें सिंगल दिया हुआ है, ये अप करते हैं और डाउन करते हैं तो ये 6 नंबर न्यूमेटिक एक्सल डिफरेंशियल लॉक के लिए ये 6 नंबर है, ठीक है। और 7 नंबर आपको बताते हैं एक कलर सिलेंडर के पास, ये है ना माइक्रो स्विच, माइक्रो स्विच ये 7 नंबर का काम करता है, ठीक है। ये 7 जो 7 नंबर न्यूमेटिक बॉल है ये काम करता है क्लच दबाने पे, जो सारा जितना न्यूमेटिक बॉल है ना सारा 7 नंबर इसी करता है। जो इसे क्लच दबाया तो 7 नंबर ऑपरेट करना शुरू हो जाएगा, ताकि क्लच बूस्टर के लिए और गियर बूस्टर के लिए, या आप लगाते हो गाड़ी को न्यूट्रल करते हो, गाड़ी को न्यूट्रल करते हो या बिंच लगाते हो, रोप को बिंच को लगाते हो इसके लिए, ठीक है। और 8 और 9 ये है कछुआ और हिरन के लिए, जो बोलते हैं ना कछुआ लो कछुआ के लिए हो गया और हिरन हाई के लिए हो गया, जो हाई लो करते हैं ना ट्रांसफर केस का, यही 8 और 9 हो गया। लो हो गया कछुआ के लिए, 9 हो गया हाई के लिए, हिरन जो बोलते हैं, जो लो और हाई हो गया, लो हाई हो गया 8 9 ट्रांसफर केस का, जो लो हाई करते हैं जो, और बीच में कर देंगे ना 1+2 है ना यहाँ पे, 1+2 करते हैं यहाँ पे, यह कुछ दिखाई दे रहा होगा 1+2 है, 1+2 है यहाँ पे लगाते हैं ना तो ट्रांसफर केस को न्यूट्रल हो जाता है। 1 नंबर पे लगाएंगे तो कछुआ में लग जाएगा, 2 नंबर लगाएंगे तो हिरन में लग जाएगा, या 1 नंबर मतलब समझिए 1 नंबर हो गया लो के लिए ट्रांसफर केस लो के लिए, और 2 नंबर हो गया ट्रांसफर केस हाई के लिए, और 1+2 में लगा दिया तो ट्रांसफर केस वर्क नहीं करेगा, सिर्फ गियर बॉक्स ही काम करेगा। जो हम बिंच लगाते हैं, बिंच का यूज करते हैं उस समय ये काम करता है, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।